ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, ठीक है। आज हम उसी लेसन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, क्या करेंगे, पर्सन उत्तर। सबसे पहले की जो वाक्य है एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। वाक्य होता क्या है, जो कोई भी वाक्य है, जो शब्द होते हैं हमारे, शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन वो एक निश्चित अर्थ देता है, एक वाक्य तो है लेकिन वो अर्थ नहीं देता, तो वो क्या है, सार्थक, वो वाक्य कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वह शब्दों का वह सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे, वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ दो ही होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे राम ने मैच जीता, इसके अंदर उद्देश्य क्या है, राम, और विधेय क्या है, ने मैच जीता। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है। अब करेंगे हम इसके मौखिक पर्सन उत्तर, जो हमें अपनी पेन नोटबुक के अंदर राइट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बातचीत किस प्रकार करते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वाक्य को बोलकर या लिखकर। जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं तो तभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो हम आंसर देखते हैं, जब हम वाक्य बोलकर भी बातचीत करते हैं। हम बातचीत किस प्रकार करते हैं, हम वाक्य बोलकर ही बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं, हम वाक्य को बोलकर ही बातचीत करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाक्य की रचना के लिए किन का होना जरूरी है। जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसके लिए किन का होना जरूरी है, कर्ता का, कर्म का, क्रिया का, और वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। कर्ता और क्रिया तो वाक्य के अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन कर्म भी हो सकता है उसके। आगे समझ, एक बार रिवाइज करते हैं, हम बातचीत किस प्रकार करते हैं। आंसर, हम वाक्य बोलकर ही बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, वाक्य की रचना के लिए किन का होना जरूरी है। जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसके लिए किन का होना जरूरी है। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। किसका है, कर्ता और क्रिया। ये दोनों क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं कि दो वाक्य बोलिए, दो वाक्य बोलिए, वो आपके हमने बोलने हैं, सिर्फ लिखने नहीं। वो क्वेश्चन आपने नहीं लिखना है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने अपनी पेन नोटबुक के अंदर राइट करना, ठीक है, और फिर इसको लर्न करना। अब करेंगे हम पुस्तक अभ्यास, बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही हम करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। आंसर, सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ये नहीं कि हम आगे पीछे करते वर्ड को, जैसे राम ने मैच जीता, मैच ने राम जीता, ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है। अगर हम वाक्य को, सेंटेंस को कर्ता, कर्म, क्रिया के अनुसार लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा, सही वाक्य कहलाएगा, अर्थपूर्ण वाक्य कहलाएगा। सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य के अंदर दो ही चीजें होती है, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। पहले देखे थे हम कि उद्देश्य किसे कहते हैं। आंसर, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे
जीता, इसके अंदर उद्देश्य क्या है? राम, और बाकी जो कुछ है वो क्या है? विधेय। ठीक है, राम ने मैच जीता, उद्देश्य क्या है इसके अंदर? राम। आया समझ? अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? आंसर, वाक्य में उद्देश्य के बारे में क्या था उसमें? इससे पहले वाले क्वेश्चन उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या कहलाता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है तो इसके अंदर उद्देश्य क्या है? राम है। लेकिन हमें बताना क्या है? विधेय बताना, तो विधेय क्या है इसके अंदर? साइकिल चला रहा है। हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्री पार्ट को हम एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ देने वाला कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ देता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम ने मैच जीता, मैच किसने जीता? राम ने, तो उद्देश्य क्या है इसमें? राम। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक के अंदर ही राइट करने हैं और इनको लर्न करना है, और ये क्वेश्चन आपने नोटबुक में राइट करने हैं, लेसन का नाम डालना है, डेट डालना है। ठीक है, और ये आपने बुक के अंदर राइट करने हैं और इनको कंप्लीट को आपने क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।